चलो करते हैं स्टार्ट। आईपीसी जो हम स्टार्ट करेंगे, न्यू लॉ एंड दी ओल्ड लॉ टुगेदर। तो ये का लॉ नहीं है, ये 2023 का रीसेंट लॉ भी है जो हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो आप लोग अटेंटिव रहिए और देखिए मैं आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाती हूँ और मैं समझाती हूँ आप लोगों को, जिसमें आप हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड देखेंगे ऑफ आईपीसी, ओल्ड एंड न्यू कोड एंड एक्ट को लेकर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, द आईपीसी कोड इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक, ये यूनिक लॉ है, स्पेक्टेक्युलर है और ये एंटेल अ नंबर ऑफ क्राइम्स, जैसे कि पनिशमेंट क्या है ना। तो आईपीसी एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड। ये जो है ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव कोड है। इसमें सब्सटेंसिव एक्ट्स कवर होते हैं जो कि क्रिमिनल लॉ को लेकर है। तो ऐसा जो क्रिमिनल लॉ जो कि अनसिविलाइज सोसाइटी के अंदर पहले के जमाने में क्या होता था कि दांत के बदले दांत निकाला जाता था, अतूत फॉर टू, आई फॉर आई, है ना, आप लोगों को पता ही है बिल्कुल। ये अ लाइफ, अगर तुमने मेरी जान ली तो मैं तुम्हारी जान लूं, है ना। तो ये जो फॉररनर क्रिमिनल जस्टिस था, इसको एडवांस इंजर्ड पर्सन जो थे उन्होंने अग्री किया कि भाई हमें तो कॉम्पनसेशन चाहिए। इंस्टेड ऑफ किलिंग, मारने से अच्छा कॉम्पनसेशन, भला सामने वाला तो मर गया, सामने वाले मरने के बाद हमें कंपनसेशन तो मिलेगी। सब्सिक्वेंटली अ स्लाइडिंग स्केल केम इनटू एग्जिस्टेंस सैटिस्फाइंग द ऑर्डिनरी ऑफेंसेस व्हिच गेव टू द बर्थ ऑफ आर्थिक क्रिमिनल लॉ। यहां पर आपका क्रिमिनल लॉ का बेस स्टार्ट हो गया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। इंडियन लेजिस्लेचर ने द चार्टर एक्ट 1833, मैं आपको 1860 में भी नहीं लेके जा रही हूं, जब ये शुरू होने वाला था 1833, द ऑफिस ऑफ लॉ मेंबर काउंसिल ऑफ गवर्नर वाज क्रिएटेड, द प्रोविजन वाज मेड, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ कमीशन आया। इसके बाद फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन द ईयर, आप देखो, 1834 बाय लॉर्ड मैक्यूले। हम आईपीसी स्टार्ट करने से पहले अगर लॉर्ड मैक्यूले के बारे में नहीं जानते तो आईपीसी स्टार्ट करना तो ऐसे ही टाइम पास है हमारे लिए। द लॉ मिनिस्टर एंड हिज चेयरमैन मैक्यूलेट एंडरसन एंड माइलेट वर द अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन। अब मैक्यूले के पीछे और भी बंदे आए जिन्होंने इस कमीशन को संभाला, ड्राफ्ट प्रिपेयर किया आईपीसी का, विच वॉज गिवन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिया इन 14th of October 1837। ठीक है, 1837 में इस ड्राफ्ट को भेजा गया और उसके बाद में ड्राफ्ट को कंप्लीट किया गया था 1850 में। ठीक है, इसके बाद में द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1856, इट डिड नॉट इफेक्ट। अब उसको इफेक्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस थे, ऑफ कोर्स, क्योंकि रिवॉल्यूशन था उसके अंदर। तो ड्राफ्ट देन अंडरवेंट अ वेरी केयरफुल रिविजन जो कि बैंस पीकॉक ने किया था। लेटर ऑन जो चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट था, उन्होंने भी इस ड्राफ्ट को चेक किया था, ड्राफ्ट को देखा था और उनके बाद में उन्होंने कहा था कि अब डिसाइड करेंगे व्हाट इज टू बी डन फर्दर। 1860 में क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने गवर्नमेंट से एसेंट लिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरी जो कि 6th of October 1860 जो है आपका कौन सा डेट था, एनफोर्समेंट डेट। उसके बाद हैप्पी बर्थडे टू यू, किसको, सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी, ये ना इनका एनफोर्समेंट डेट और कमेंसमेंट डेट का थोड़ा इश्यू होता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझ के ले लो। 6th October 1860 और 1st of January 1862 को इसका एक्ट नंबर है 45। क्या पूछा जाता है एक्ट नंबर? यस, आपके प्री के एग्जाम में डेफिनेटली एक्ट नंबर पूछा जाता है। हाउएवर, ऑटोमेटिकली आपने देखा कि प्रिंसली स्टेट्स देयर आर कोर्ट्स, जहां पर लीगल सिस्टम 1940s में आ गया। फिर आईपीसी को जम्मू कश्मीर को भी लेके आए 2019। आपको पता होगा कि सिचुएशन अब जो है वो टोटली चेंज हो चुकी है। हाँ मैम 1860 में जब ये लॉ आया, उस टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे जिनसे अब प्रेसिडेंट्स को लेकर भी हम एंसेंट? जिनसे इन्होंने एसेंट लिया था, आई विल शो यू फर्दर, जो हम 2023 में जाएंगे ना, आई विल शो यू। वेट, द कोड ऑफ जम्मू कश्मीर 31st October 2019 बाय वर्च्यू ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। अब वहां पर जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी चलती थी, ऐसे तो नहीं होगा ना कि जम्मू कश्मीर को आईपीसी नहीं होगी, लेकिन उनकी आईपीसी और हमारी आईपीसी में क्या डिफरेंस था, उनको क्या, वो क्या पढ़ते थे और हम क्या पढ़ते थे। रणवीर पैनल कोड यस, रणबीर पैनल को। तो ये जो स्ट्रक्चर था आईपीसी का, इनको डिवाइड किया गया 23 चैप्टर्स में।
जिसमें हम 511 सेक्शन ओल्ड एक्ट की बात कर रही हूँ, जो कि लास्ट अमेंडमेंट आईपीसी में हुआ था, जो कि 2018 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रायल ऑफेंसेस को लेकर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इंक्वायरी क्या होती है, ट्रायल क्या होता है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हम लोग सेक्शन नंबर 4K1 में जो पढ़ते हैं। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहां से आपको न्यू क्रिमिनल लॉज, जो कि 2023 में होंगे। मैंने आपको 1860 का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया कि कब ये लॉ फॉर्म हुआ, ड्राफ्ट किसने किया, कैसे ड्राफ्टिंग हुई, कमीशन कैसे फॉर्म हुआ, और उसके बाद में इस लॉज को कैसे फॉलो करते गए। ठीक है, अब जब हम न्यू क्रिमिनल लॉज देखेंगे 2023 के, तो ये मैं आप मुझसे ये पूछेंगे, क्या ये मर्जर होने वाला है, क्या एक दूसरे से मिलके होके बनाने वाला है, क्या नहीं। देखो, अब मैं आपको क्लियर कट एक सिचुएशन बताती हूँ कि दिस लॉज हैव इंट्रोड्यूस। अब इंट्रोड्यूस तो हो चुके हैं ना, है ना। अब आप देखो कि इंडियन लीगल सिस्टम में जो रूट्स है, कॉलोनिकल एरा जो थे, जहां पर ब्रांचेस थे आईपीसी, हाँ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीन है, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों को ही टच किया गया ना 2023 में। कैसे बताती हूँ, दीस कोड्स हैव बीन द ये जो कोड है ये पिलर है किसकी, हमने क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ के रखा था। 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद एक लैंडमार्क मूव हुआ लोकसभा में, कब हुआ, 11th of August 2023 में। ठीक है, जो उन्होंने एक स्टेप लिया कि ये जो कोड्स है, जो एक्ट है, उनको रेलेवेंट और कंटेम्पोररी चेंजेस लेके आनी थी सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, ये 2023 का जो वर्जन आया है, क्या ये ओल्ड वर्जन को लेके चलेगा साथ में, या टोटली न्यू होगा, क्या होगा हम बैकग्राउंड में देखेंगे ना। अ लॉन्ग प्रोसेस हैज बीन मेकिंग अ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। ये पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की बात कर रही हूँ। सिंपल लॉजिक भी लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ यूजिंग अ ब्रेन ऑल्सो। कंप्लीटली ओवरहॉल जो कॉलोनियल एरा था क्रिमिनल लॉस के अकॉर्डिंग, 2019 में हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बात रखी कि जो हम लोग ब्रिटिश के लॉस को फॉलो करते थे, आप देखो ऑल ओवर द इंडिया जो भी था ब्रिटिश लॉ ही चलता था ना। और उन्होंने क्या सोचा कि इसको डिस्कस करके इनको रिव्यू किया जाए, और इनके इंटरेस्ट, जो कि एक सिविल सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रोग्रेस लेके आना बहुत जरूरी है इंडियन सोसाइटी के अंदर, यानी इंडिया के कल्चर को। देखो, अभी आपको पता है कि अगर कोई लड़की पब में डांस कर रही है, आपको पता होगा, या फिर वो सिगरेट पी रही है, तो शी इज नॉट अप्रोचिंग फॉर सेक्स। तो ये जो रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं, तो ये 2023 में आपको मिलेंगे। तो अकॉर्डिंगली क्या हुआ था, August 2019 में लेटर्स लिखे गए थे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, ऑफ द कंट्री एंड लॉ यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री। 2020 में क्या हुआ था, इस लेटर्स को लिखे गए थे पार्लियामेंट मेंबर्स जो होते हैं ना, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को, उनके बाद चीफ मिनिस्टर्स को, गवर्नर्स को, यूनियन टेरिटरीज को, अकॉर्डिंगली किसने किसके रेस्पॉन्स किया वो भी देखेंगे। 18 स्टेट्स ने रेस्पॉन्ड किया, 6 यूनियन टेरिटरीज ने रेस्पॉन्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पॉन्ड किया, 16 हाई कोर्ट्स ने रेस्पॉन्ड किया, 5 जुडिशियल एकेडमीज, 5 जुडिशियल एकेडमीज ने इस बात को रेस्पॉन्ड किया है, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज, 142 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, 270 MLAs ने रिस्पॉन्ड किया। और ये बात जो हम लोग आम जनता है, वी आर नॉट आम जनता बट द जनरल पब्लिक, उनसे भी नए क्रिमिनल लॉस को लेकर पूछा गया था और डिस्कस की गई थी।
ठीक है, ये 2019 और 20 का पूरा जस्टिफिकेशन है कि ये लॉ किस किस के पास गया था, किनों किनों ने सजेशन दिए, ये भी अपन देखेंगे। इन ऑर्डर टू ओवरलुक द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू अ नोटिफिकेशन, जो कि मई 4, 2020 को एक नोटिफिकेशन आया कि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी के अकॉर्डिंग रिव्यू करना है, सजेशंस चाहिए इन तीनों कोड्स को लेकर। ठीक है, अब कैसी सजेशंस आई देखो। ये क्रिमिनल रिफॉर्म्स कमिटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर रणबीर सिंह, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब इनके साथ में ये सारी चीजों को डिस्कस करके अभी इन्होंने देखो फर्दर क्या किया है, जिसमें प्रोफेसर जीएस वाजपेयी जी थे, रजिस्ट्रार ऑफ सेम हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर बलराज चौहान जी थे, वाइस चांसलर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सीनियर एडवोकेट महेश, महेश आपको पता है ये कौन है, एडवोकेट महेश जेठमलानी, पता है कौन है, मैम पता है मैम कौन है ये? राम जेठ टॉप मलानी लॉयर मैम हैं, हाँ, राम में जेठ राम जेठ मलानी जी मलानी। के भाई है महेश जेठ मलानी जी, जो कि सिंगल ईयरिंग हाई कोर्ट में आने का कितना लेते हैं, आई कांट इवन टेल यू इन वर्ड्स नाउ, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगी वो सारी बातें। ओके, आई एम 25 लाख ऑल्सो सिंधी, सो आई बेटर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि मुझे बिल्कुल पता है कि ये कितना पैसा लेते हैं एक कोर्ट की ईयरिंग के लिए, इनके सेकेंड्स के ऊपर इनका ये डिस्कस होता है। नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग मच अबाउट इट। जीपी थरेजा जी, जो कि फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट, जो कि दिल्ली के थे, आई मीन है सेशन जज, उनसे ये पूरा डिस्कशन होने के बाद में ये पूरा मैंडेट को प्रिपेयर किया गया। द मैंडेट ऑफ द कमिटी वाज रिकमेंडेड रिफॉर्म क्रिमिनल लॉज प्रिंसिपल्ड होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए। अब देखो उसमें क्या क्या आएगा। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे इसमें, एक तो सेफ्टी होनी चाहिए लोगों को, सिक्योरिटी होनी चाहिए, किसको, इंडिविजुअल को, हर इंसान को सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। अखबार अगर लड़की निकलती है ये डर से निकलेगी कि आज मेरा रेप हो जाएगा, तो लड़कियां तो घर से निकलना बाहर छोड़ देंगी, या लड़के बाहर निकल रहे आज हमारा मर्डर हो जाएगा, हो सकता है, वी नेवर नो कि क्या होने वाला है ना। तो लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो कम्युनिटी है, जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से देखा जाए तो उन्होंने प्रायोरिटी दी है जस्टिस को, डिग्निटी को, इनरेंट को ऑफ द इंडिविजुअल्स, सारे इंडिविजुअल्स को डिग्निटाइज करने के लिए इन्होंने 2023 का न्यू लॉ रिफॉर्म लाया। तो क्रिमिनल लॉज को देखा जाए तो देखो आप कि जो कंसिडरेशन में लिया गया, यहाँ पर जो कमिटीज बैठी थी, तो नेमली बैसप्रो कमिटी, विश्वनाथन कमिटी, मालीमत कमिटी, माधव मेनन, माधव का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया मुझसे, आई एम वेरी सॉरी, आई रेक्टिफाई इट, माधव मेनन कमिटी एंड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी फॉर फॉर्मेलिटी का न्यू क्रिमिनल लॉ बिल। इन्होंने ये सारे कमिटीज को बिठाने के बाद में इन्होंने सोचा कि अब न्यू बिल को कैसे लाया जाए। तो फेब्रुअरी 2022 में क्या हुआ ना, इन्होंने उन चीजों के ऊपर रिकमेंडेशन और अमेंडमेंट्स बताए। तो जो यूनियन मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, उन्होंने 4 साल तक इन्होंने सजेशंस लेके और पूरा डेप्थ में जाकर उन्होंने इसमें 158 मीटिंग्स को अटेंड किया है, ठीक है, और उनके बाद उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिवील किया इसके अंदर, कि जो जस्टिस है, क्या फैक्ट्स है जस्टिस के, कि जो न्यू लॉस को डिजाइन किया जाएगा कि जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, फोकस करना है कि जस्टिस के ऊपर, जस्टिस के उपर, देखो सालों साल केसेस चलते होते हैं, पनिशमेंट कब मिलेगी पता नहीं, कब मिलेगी यार, वी नेवर नो व्हेन इज द पनिशमेंट गोइंग टू, हमको नहीं पता कि पनिशमेंट कब मिलने वाली है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है इस बारे में। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम लोग फोकस करेंगे किस चीज के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, रादर देन व्हाट, पनिशमेंट, है ना। एक रेप होता है 2000 में, उसको सजा मिल रही है समझो 2020 में, 20 इयर्स उस लड़की ने कितना पेशेंटफुली उन सारी चीजों को। तो अमित शाह का ये कहना था
कि ये जो कंटेम्पररी जस्टिस है उसको बिल्स को लेके आना, जैसे टेररिज्म को टारगेट करना, मॉब लॉन्चिंग को टारगेट करना, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके आना, करंट सोशल सोसाइटिकल जो चैलेंजेस है, देखो हम लोगों को, हम आम लोगों के ऊपर जो बीती है वो लॉज के थ्रू, चलो हम लॉयर्स हैं हमको पता है, व्हाट अबाउट द लेमेन, उनको क्या पता है क्या होता है? तो वो चाहते हैं कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सेशन सिस्टम में, जैसे लॉ मार्क अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब देखो ये जो भी लॉज बने थे वो ब्रिटिश को लेकर बने हुए थे, है ना, इन प्लेस सिंस 1860, बिकॉज उनको क्या ऑब्जेक्ट था कि क्वींस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना 1860 में। 1860 का मेन प्रोपेगेंडा क्या था? क्वींस के ब्रिटिशर्स को प्रोटेक्ट करना। आपको पता है, मैं आपको बता दूं कि आज भी जो बिल्डिंग्स ब्रिटिशर्स बना के गए थे ना, जो कोर्ट्स, कोर्ट्स की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, जो ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग्स है आप देखोगे ना, वो आज भी स्टैंड स्टिल है, आज भी मजबूत है यार, आज भी एकदम ऐसे खड़ी है कि उसको चेंज करना ही एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि जेंडर न्यूट्रलिटी आ जाए, कि क्योंकि अगर देखो मेन एंड वुमेन का जेंडर न्यूट्रल हो जाता है तो उसमें बहुत सारे प्रोग्रेसिव चेंजेस आएंगे, मॉडर्नाइजेशन है लीगल सिस्टम के अंदर। पहले थोड़ी लड़कियां शॉर्ट्स पहन के जाती थी, पहले थोड़ी ना लड़कियां स्पेगेटीज पहन के घूमती थी, पहले थोड़ी ना लड़कियां सिगरेट पीती थी, पहले थोड़ी ना लड़कियां दारू पीती थी, ड्रिंक्स करती थी, पार्टीज अटेंड करती थी, ऐसा तो नहीं था ना। सो दिस व्हाट दे वांट इन अ मॉडर्नाइजेशन जो लीगल सिस्टम के अंदर है, उनको वो चेंज करना है, दे वांट दिस टू बी चेंज। तो न्यू बिल्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे, कॉनोनिकल लेगेसी जो आई थी 1860 और 2023 के बीच की, आप देखोगे जो कंट्री है, हमारी कंट्री वो क्रिमिनल जस्टिस जो है उस सिस्टम को एज पर ब्रिटिश फॉर ब्रिटिश बनाया गया था, है ना, जो क्रिमिनल सिस्टम था सिर्फ ब्रिटिशर्स को लेकर ध्यान पे बनाया गया था, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो इंडिया का है उनको अडॉप्ट करना है, कि इंटीग्रिटी जो है, जो कि कॉलोनियल रूल है, उसको कंटिन्यू विद अ बॉन्डेज, उनको भी पुल करेंगे, इनको भी पुल करेंगे, और जो स्लेवरी है उसका अंत करेंगे। देयर इज नो नीड न्यू बिल टू अपहोल्ड अ भारतीय सोविनिटी। अब देखो आपको पता है रील्स का जमाना है, रील्स का जमाना है यार, आप लोग देखेंगे कि अरे जो पढ़ना नहीं चाहते पता है क्या, रील्स बनाना चाहते हैं, नोबडी इज इंटरेस्टेड। नाउडेज आप देखोगे ना लॉ को लेकर भी अडॉप्शन बहुत कम है। आप अगर कोई एक दुकान में लड़के काम करते थे, आपको पता होगा पहले, यू नो ना, पीपल यूज टू गिव द गाइज फॉर अ वर्क, कि आज कपड़े की दुकान होने दीजिए कोई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा शॉप्स। अब वो लोग क्या बोलते हैं, पागल हो गए क्या, हम लोग कौन दुकान में काम करेंगे, रील बनाएंगे पैसा कमाएंगे। दिस सिस्टम व्हाट इज टू बी इंट्रोड्यूस, ये सारी चीजें ध्यान में रखते ये 2023 का बिल इंट्रोड्यूस होगा, आप मेरे साथ देखेंगे, देखो, जो कि एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। द लॉज वर ड्राफ्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स, तभी 1860 में, इसमें जो लैंग्वेज और जो कॉन्सेप्ट लिया गया था वो एक्यूरेट नहीं था, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था, जो करंट सीनियरो है, आज का जो परिस्थिति है, आज का जो सीन है, वो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यू को लेकर आल्सो रैपिड एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि न्यू डायमेंशंस ऑफ क्राइम, एविडेंसेस और इन्वेस्टिगेशन। अभी पहले के टाइम पर इन्वेस्टिगेशन कैसे होती थी, हमने एविडेंस लॉ पढ़ा है, आपने मेरे साथ में एविडेंस एक्ट पढ़ा है, कैसे क्राइम सीन पे जाते थे, है ना, स्पॉट मैंने विजिट सीआरपीसी में करते थे। आपको क्राइम सीन को लेकर भी बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप क्राइम सीन पे यस कैसे जाना होता है, दैट इज टू बी अंडरस्टूड इन डेप्थ। सिंपलीफाइन अगर देखा जाए तो स्ट्रीमलाइन एक ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि लॉज जो है वो कॉम्प्लेक्स बन चुकी है, जो कि टाइम के हिसाब से कंफ्यूजन है। मैं आपको बताती हूँ एज अ लीगल प्रैक्टिशनर्स, अब मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ इस फील्ड के अंदर, तो मैंने बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को देखा है जिनको लॉ के बारे में एक
नॉलेज तो क्या एन भी नहीं मालूम है कि के और एन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्यों उन लोगों को उतना ही पता है? क्या आपको लगता है कॉलेज वाले आपको डिटेल में पढ़ाएंगे? क्या आपको लगता है कि आप जिसके भी अंडर जाके प्रैक्टिस करेंगे वो आपको रियलिटी टच देंगे? क्यों आप उनका बिजनेस खराब करोगे क्या जाके? कोई नहीं बताता, मैं रियल फैक्ट। और आप जितना भी इसको पढ़ोगे ना, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, अगर आपको ये मालूम नहीं ना, देन प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप इसे पढ़ेंगे पहले, देन ओनली आपका जो स्ट्रीमलाइनिंग है ना वो क्लियर होता जाएगा कि एक्चुअली क्या है। आपको ट्रांसपेरेंसी समझ में आएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बैठ के बोल दूं कि बेटा 125 सीआरपीसी के अंदर मेरा एक केस है, उसके ऊपर केस लॉ ढूंढ के दिखाओ, आप क्या बोलोगे? मैडम क्या बोल रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, हमारा तो दिमाग से ही बाहर जा रहा है, क्या बोल रही है पता नहीं, नहीं समझ आ रहा है मुझे तो, है ना? तो ये मैम ढूंढ सारे देंगे, कोई बात रिस्क नहीं। बेटा आप मेरे स्टूडेंट इसलिए बोल रहे हो, पर जो स्टूडेंट्स जिनको रियलिटी में बताऊं क्या, लैक्स ऑफ फीस लेने के बाद भी प्लेटर में सर्विस नहीं होता है। आप जो बोल रहे हो ना वो मेरी वजह से कह रहे हो कि हम कर देंगे, क्या आपको लगता है जो लाखों में फीस भर के जो प्लेटर पे सर्व मिलता है उनको प्लेटर मिलता है खाने के लिए, कि लॉ का एवरी पार्ट जो है कि सीआरपीसी में क्या है, आईपीसी में क्या है, सीपीसी में क्या है, एविडेंस में क्या है, पता है? नहीं पता यार, नहीं पता है, बहुत कम जनों को पता है। तो जहां पर वेरियस रिपोर्ट्स आई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी में, 146th रिपोर्ट आई, जिन्होंने उन्होंने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू चाहिए बाबा उनको, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो प्रिलिमिनरी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है उसमें 111th एंड 128 रिपोर्ट्स बनने के बाद में उन्हें समझ में आया कि इस क्रिमिनल चीजों के ऊपर उनको चेंज लेके आने का है। ठीक है, तो न्यू बिल्स वर इंट्रोड्यूस जिसमें भारतीय न्याय संहिता बिल जो कि आईपीसी आपका है, जिसमें आप 511 सेक्शंस 23 चैप्टर्स पढ़ते थे, अब आप कितने पढ़ोगे? देखो 356। तो ये जो रिप्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, 175 सेक्शंस को अमेंड किया गया है, 8 सेक्शंस को ऐड किया गया है और 22 सेक्शंस को रिपील किया गया है। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद में आप देखोगे कि ना भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल जो कि आपकी सीआरपीसी की बात करता है, वहां पर आप 478 सेक्शंस के बदले देखो आप 533 सेक्शंस पढ़ोगे, जिसमें 160 सेक्शंस को अमेंड किया गया है, 9 सेक्शंस को ऐड करना और 9 को उन्होंने रिपील किया है। सब बताऊंगी, टेंशन बिल्कुल मत करना। ओल्ड और न्यू के साथ में मैं आपको बहुत अच्छा, इतना अच्छा ट्रेन करूंगी कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ओके, चलिए, भारतीय साक्ष्य बिल को इन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें आप 167 सेक्शंस पढ़ते थे अब आप 170 पढ़ेंगे, 23 सेक्शंस हैव बीन एडेड एंड 9 सेक्शंस हैव बीन रिपीट। क्लियर? क्लियर? आपको समझ में आया न्यू बिल और ओल्ड बिल के बीच में? मैंने आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, हमारा न्यू क्या था, पहले कहां से हमारी शुरुआत हुई है, और उसके बाद में आप देखो 1860 से, मैं तो आपको 1833 से लेके गई थी और सीधा आपको 2023 पे मैंने आपको स्टॉप करवाया है। वैसे मैं अगर आपको ले जाऊं तो आपको मैं इसमें ये भी दिखाऊंगी कि जो हम डेफिनेशंस और एसेंशियल्स और स्टेजेस पढ़ते थे, तो न्यू वे से जाकर आप डेफिनेशन कैसे पढ़ोगे, एसेंशियल्स कैसे पढ़ोगे, अब आपके स्टेजेस क्या होने वाले हैं, तो वो सारा का सारा क्राइटेरिया मैं क्लियर करूंगी। देखो हम सेक्शन 40 से पढ़ते हैं आईपीसी के अंदर, तो आप बोलोगे मैम क्या सेक्शन 40 से पढ़ा जाएगा, सेक्शन 1 किसने, क्या मार देंगे क्या हम सेक्शन 1 को? अरे शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड को क्यों मारेंगे, हम उसी वे से पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हम लोग कौन से ज्यूरिस्ट ने क्या बोला है, ब्लैकस्टोन ने क्या बोला है, स्टीफनसन ने क्या बोला है, कैनी ने क्या बोला है, इन्होंने कौन सी रिपोर्ट्स बनाई थी, कैसा इन्होंने ये बोला है, इसके फोर एलिमेंट्स क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या होता है, वर्ड पर्सन क्या होता है, मेंस रिया, गिल्टी माइंड, फिर उसके साथ में हम लोगों ने केस लॉ, और ये सारे के सारे नोट्स जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं सारे के सारे नोट्स शेयर करती हूँ,
आर वर्सेस टोल्सन का केस, तो क्या हम लोग आर वर्सेस टोल्सन का केस नहीं पढ़ेंगे क्या जो न्यू लॉ आए हैं? तो उसी के साथ में अगर आपको पता होगा कि पहले के जमाने में क्या और नए जमाने की बात क्या है, तो डेफिनेटली आप इन सारी चीजों को बहुत बेहतरीन समझ पाओगे। आई होप आप लोगों को आईपीसी का इंट्रोडक्शन पार्ट आज समझ में आया। मुझे नहीं लगता है कि कुछ डिफिकल्टी होनी चाहिए। मैंने नो मैम, पूरा का पूरा आपको डिटेल सिखाने वाली हूँ मैं, आप देख सकते हो। एंड दिस नोट्स आर ओनली माय नोट्स, जो आपको कहीं यूट्यूब और कौन सा वो चलता है, व्हाट इज द अदर ऑप्शन उज्मा, टेलीग्राम, वो सारे जगह पे नहीं मिलेगा। दीज आर माई हैंडमेड नोट्स, और अभी भी मैं जो ओल्ड और न्यू नोट्स बनाऊंगी और प्रोवाइड करूंगी, वो भी आप लोगों को मेरे हैंडमेड नोट्स मिलेंगे, जो कि मेरे होंगे, विदाउट आप कहीं भी ढूंढिए आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया। किसी को कोई डिफिकल्टी होती है तो बिल्कुल मुझसे पूछिए, मेरे क्लास में कोई भी बंदिश नहीं है कि ये मैम क्यों नहीं। आपको हर चीज की, मैं तो लाइन के ऊपर भी बोलती हूँ कि अगर किसी लाइन में प्रॉब्लम है तो स्टॉप कीजिए मुझे, मैं आपको वहीं का वहीं वो लाइन भी क्लियर कर दूंगी। अगर आपको डिफिकल्टी होती है और भी, तो माई नंबर विल बी प्रोवाइडेड, आप मुझसे कॉल पे भी बात करके वो अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ओके ठीक है, मैम गुड ठीक है इवनिंग मैडम, मैम। ठीक है। मैम ये इंट्रो पार्ट डाल दीजिए ग्रुप में, इंट्रो पार्ट जो है ये डाल दीजिए, हम एक हाँ, बार दोबारा पढ़ेंगे इसको। आपको ये वीडियो मिल जाएगा, अभी मैं बस अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलिए क्लास को एंड करते हैं। आप लोग फिर क्लास ज्वाइन करें जो रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंटिन्यू करना है आप लोगों को। ठीक है, ओके मैम, और जिनको भी विकी हमारा जो ग्रुप का व्हाट्सएप लिंक है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, जिनको भी ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए, बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।